नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रतिया के बुल्लारा रोड पर बाबा फर्नीचर हाउस में आज सुबह भयानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फर्नीचर हाउस के आस पड़ोस के लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी, दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन दमकल विभाग की मात्र एक गाड़ी घंटों बाद मौके पर पहुंची। इसके अलावा कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, उन्होंने इसकी सूचना जिलाधिकारियों को दी है। इसके बाद दमकल विभाग की और गाड़ी मौके पर पहुंची। इस बारे में जब दमकल विभाग का ड्राइवर से बात की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि इतने बड़े रतिया क्षेत्र में मात्र एक दो दिन ही दमकल विभाग की गाड़ियां हैं। एक गाड़ी पिछले काफी समय से कंडम खराब पड़ी है, इसको लेकर लोगों में भारी रोष देखने को मिला और लोग अपने स्तर पर पानी की बाल्टी भरकर आग बुझाने में जुट गए। फतेहाबाद से गाड़ी रतिया पहुंचने में देरी हो गई है, तब तक बाबा फर्नीचर हाउस का लाखों रुपए का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया था। रतिया विधानसभा की 4 लाख के करीब आबादी है। इतने बड़े क्षेत्र में मात्र 2 ही दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, इसमें एक गाड़ी काफी समय से खराब पड़ी है। अगर क्षेत्र में और गाड़ियां होती तो आज इस भयानक आग पर काबू पाया जा सकता था। रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। दमकल विभाग की अजय फतेहाबाद वाली गड्डी भी नहीं आई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।